हमीरपुर जिला रोजगार कार्यालय में हजारों बेरोजगार आवेदकों के लिए प्रदेश सरकार ने राहत दी है। लॉकडाउन के चलते जनवरी से मार्च माह तक रोजगार कार्ड के नवीनीकरण नहीं होने पर इनके कार्ड ऑनलाइन ही सरकार द्वारा अगली तिथि तक नवीनीकरण कर दिए गए हैं। वहीं अप्रैल मई जून माह के नवीनीकरण का काम आज कल चला हुआ है, जिसके लिए लोगों को अपने सर्टिफिकेट लेकर कार्यालय आकर नवीनीकरण करवाना होगा। जिला रोजगार अधिकारी योगराज धीमान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नवीनीकरण काम नहीं हो सका था, लेकिन अब प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार नवीनीकरण कार्य शुरू किया है। हमीरपुर में जल्द ही TGT आर्ट्स और नॉन मेडिकल के पदों को भरने के लिए कवायद तेज हो गई है और रोजगार कार्यालय हमीरपुर के माध्यम से पदों को भरने के लिए प्रक्रिया पूरी करवाई जा रही है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा साक्षात्कार आयोजित करके पदों को भरा जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी योगराज धीमान ने बताया कि कार्यालय के द्वारा TGT आर्ट और नॉन मेडिकल के लिए पदों को भरने के लिए प्रक्रिया चल रही है। रिन्यूअल जो पंजीकरण का था, जैसे लॉकडाउन पीरियड का था, जैसे जनवरी से लेके मार्च तक का प्रदेश सरकार द्वारा उसमें छूट दे दी गई थी, और जो जनवरी फरवरी और मार्च में जो युवा रिन्यूअल नहीं करवा पाए थे उनका ऑटो मोड पर रिन्यू कर दिया गया है सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो अप्रैल और मई के दो ऑफिस खुल चुके थे, वो बच्चों ने करवा लिया है जिन्होंने करवा। अभी जो बैच वाइज पोस्ट है कुछ रिकॉर्ड की पिछले महीने अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट से, इसमें बैच वाइज पोस्ट है TGT आर्ट्स की, नॉन मेडिकल मेडिकल की, और साथ में लैंग्वेज टीचर और शास्त्री, इन पोस्टों के लिए नाम स्पॉन्सर कर दिए गए हैं। बाकी का प्रोसेस जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आगे इंटरव्यू का करना। इसके अतिरिक्त को तो कोई पोस्ट विशेष आई नहीं अभी तक, जैसे जैसे डिमांड हमें प्राप्त हो रही है तो हम आगे